नमस्कार दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल के तीसरे एपिसोड में आपका प्यारा सा स्वागत है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम गुवाहाटी की तंग गलियों से हम हॉर्नबिल पहुंचे, वहां पर हमने क्या क्या कल्चरल फेस्ट देखे, किस तरह के हम लोगों ने स्पोर्ट्स देखे, क्या क्या हम लोगों ने किया वहां पर। अब बढ़ते हैं आगे। तो इस सफर में मेरे साथ में था मेरा दोस्त विकास, जो कि कॉलेज में मेरा क्लासमेट भी था। एंड हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल घूमते घूमते दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बज गए थे। अब हमें लग रहा था भूख, तो धीरे धीरे हम गए रेस्ट्रो की तरफ, जहां पर नागा कुजींस, जो ट्रेडिशनल खाना होता है नागालैंड का, वो वहां पर मिलता है। तो शुरू में तो हमें अपना जो पसंदीदा खाना है उसको ढूंढने में एक्चुअली बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि मेरा दोस्त विकास एक्चुअली ब्राह्मण है, नागालैंड में चलता है बीफ, पॉर्क, सब कुछ चलता है एक्चुअली में वहां का। लेकिन अब विकास भाई खा नहीं सकते हैं हर जगह, तो बस मुझे भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा किचन के मामले में एक्चुअली में। तो अंत में हमारा सर्च खत्म होता है ऐसे किचन में जहाँ पर सिर्फ पॉक एंड चिकन बनता था। तो विकास भाई इस चीज को लेके बड़े ही खुश थे, एंड मैं ट्राई करने वाला था वहां पर पॉक, क्योंकि नागालैंड का जो पॉक है, पॉक का जो उनका डिश है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है। एंड वैसे भी मैं बहुत फूडी पर्सन हूँ, तो मुझे ये सब खाना बहुत पसंद है। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था वहां पर पॉक करी, उसके अलावा पॉक के जो इंटेस्टाइन होते हैं, एंड आखुनी की चटनी मैंने ऑर्डर की विद राइस, एंड विकास भाई ने अपने लिए ऑर्डर किया था चिकन एंड राइस। तो बस हम लोगों ने खाना शुरू किया, एंड यह पॉक बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, एंड इवन उसका जो इंटेस्टाइन था, दैट इज ऑल्सो वेरी टेस्टी। धीरे धीरे जैसे हम लोग पेट पूजा करते जा रहे थे, तभी हम देखते हैं कि अंदर जो नागा हट है वहां से एक बंदा बाहर निकलता है जिनका नाम है तेमजा निम्ना आलोंग लोंग कुमेर। ये नागालैंड बीजेपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है एक्चुअली में, एंड इंटरेस्टिंगली वो सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, यानी कि वायरल है। एंड जब हमने उनसे बात की, हमें पता चला यार ये तो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ इंसान है एक्चुअली में। वो वहां पर नॉर्मल जो उनकी जनता है उनके साथ में बैठ के वहां पर ड्रिंक्स ले रहे थे, उनके साथ ही खाना खा रहे थे। इवन जो उनके बगल वाले टेबल में जो बैठे हुए थे, उन्होंने हमें बोला यार क्या आपके स्टेट में आपका मिनिस्टर आपके साथ कभी बैठ के खाना खाता है क्या। एंड यस, मैं बोला हमने तो कभी सामने से देखा तक नहीं आज तक। तो यही वो स्पेशल वक्त थे जिसे हम मिले थे एक्चुअली नागालैंड में, एंड अनएक्सपेक्टेडली। एक्चुअली हम सोचे नहीं थे कि उनको हम मिलेंगे कभी। तो फाइनली हमारा पेट पूजा खत्म, उसके बाद हम निकलते हैं मार्केट करने के लिए। एक्चुअली में जो वहाँ का ऑर्गेनिक, जो नागालैंड की खेती होती है, वो हम देखने के लिए निकले। वहां पर हमने देखा कीवीज थे, वहां पर उनके टोमेटोज थे, उनके किंग चिली थी। किंग चिली एक्चुअली में वर्ल्ड फेमस है, उसको GI टैग दिया गया है। किंग चिली की खासियत ये है कि वो इतना ज्यादा तीखा है कि मतलब भाई अगर तुम रात को खा लो ना, सुबह को समझ जाओ लाल हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद मैंने अपने लिए लिया बैम्बू शूट, जो कि बनता है एक्चुअली में बैम्बू से, एंड उसे यहाँ पे दाल के साथ या फिर किसी मीट के साथ खाया जाता है, एंड उसका चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हमारी शॉपिंग वॉपिंग सब खत्म हो जाता है, उसके बाद में शुरू होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल का मोस्ट अवेटेड सीन, यानी कि वहाँ पे होने वाला है रॉक शो। चल बीच में चलते हैं। भाई रॉक शो देखकर तो अलग ही वाइब आ रहा था यार, पूरा हर तरफ लोग डांस कर रहे थे, म्यूजिक में थिरक रहे थे, और स्टेज में जो बंदा था वो रैपिंग कर रहा था। स्टेज में बस हो रहे थे, रैपर्स आ रहे थे, उसके बाद कोई डीजे आता है, फिर से रैपर आ रहे थे, एंड अगेन डीजे आ रहा थे, एंड उनके बीट्स पे हम सब नाच रहे थे वहां पे बस। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि विकास और मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट बंदे हैं, लेकिन जो बीट्स बज रहे थे कोई हमें नहीं पहचानता। हम लोग इस तरह से नाचे वहां पर जैसे कि हमें भाई कुछ किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। इन्हीं सब के बीच में हमें मिलता है एक लड़का जिसका नाम है विराट भाई। एक्चुअली में वो IIT में पढ़ रहे और MTech कर रहे हैं, वो एक सोलो ट्रेवलर है, एंड हम जिस टेंट में रुके हुए थे वो बस हमारे बगल वाले टेंट पे एक्चुअली में रहते थे। तो वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन। एक्चुअली में कन्वर्सेशन बोला जाए तो वो बाद में हुआ, पहले तो हम लोगों ने भी नाचा। वो सोलो आए हुए थे तो हमने बोला कि भाई हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, हमारे साथ फिर को
उन्होंने भी पूरा एंजॉय किया। रात को जब शो खत्म हुआ हम तीनों बैठे, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया कौन कहां से है, किधर से है, कैसे है। विराट भाई ने अपनी जर्नी बताई कि वो कैसे कहां पर सोलो ट्रैवल कर चुके हैं, किन किन फेस्टिवल्स में वो जा चुके हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया क्या कर रहे हैं वो सब कुछ। अब बस उसके बाद थोड़ी ही देर बाद हमें देखने मिलता है वहां के लोकल लड़के जो रोनाल्डो का आइकॉनिक मूव कर रहे थे वहां पर। बिकॉज वहां पर ना नागालैंड में क्या है कि फुटबॉल के फैंस बहुत ज्यादा है। इवन कॉन्सर्ट के बीच में हम देख रहे थे लोग ब्राजील का झंडा या फिर बोले तो अर्जेंटीना का झंडा फहरा रहे थे कॉन्सर्ट के बीच में। तो उसी से एक्चुअली में समझ में आता है यार कितने ज्यादा फैन फॉलोइंग है वहां पे फुटबॉल की। तो पूरा कॉन्सर्ट शो जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद हम आए अपने टेंट की ओर। उसके बाद हम डिनर करके सो गए क्योंकि अगले दिन हमें रिटर्न आना था गुवाहाटी के लिए। उसके बाद अगले दिन जब हम जागे मॉर्निंग को तो इतनी प्यारी सुबह देखने के लिए मिला ना, मतलब वहां से लौटने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये एक हार्श रियलिटी है कि हमको तो वापस लौट के ही आना था अपने घर में क्योंकि हमारा काम भी था, बहुत कुछ है एंड लीव्स तो होते नहीं हमारे इतने ज़्यादा। तो बस आ गए वहां से निकल कर हम सुबह सुबह एंड ट्रेन पकड़ के फिर से वापस पहुंच गए गुवाहाटी। एंड वी आर एक्चुअली वेटिंग। अब विकास और मैं बात करते हैं कि क्या किया हम लोगों ने वहां पर, कैसे किया एंड इन फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये था मेरा हॉर्नबिल सीरीज का तीनों वीडियोस। मैं इसमें जितना ज्यादा आपको बता सकता था बताने की कोशिश की, ये भी नहीं चाहा कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए नहीं तो आप लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन कहने को बहुत ज्यादा था लेकिन दिखाने के लिए बहुत कम था एक्चुअली में। तो इसी के साथ में हॉर्नबिल वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और समय में। थैंक यू।